रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो चले हैं। राजस्व टीम पर जानलेवा हमला खनन माफियाओं की तरफ से, तो अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी करने गए थे यहां पर अधिकारी, और इसी दौरान खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हुए कि उन्होंने अधिकारियों पर हमला कर दिया। जेसीबी जब्त करने से नाराज हुए थे खनन माफिया। रामपुर में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब अधिकारियों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। खनन माफियाओं ने राजस्व टीम के ऊपर जानलेवा हमला किया है। दरअसल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट तहसीलदार के नेतृत्व में खनन के खिलाफ अभियान में कोसी नदी से खनन करते हुए जेसीबी जब्त की गई, जिससे नाराज होकर खनन माफियाओं ने राजस्व टीम पर गोलियां चलाई और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की गई। अधिकारी इस घटना में बाल बाल बचे हैं। एक जेसीबी मशीन, 6 वाहन कब्जे में ले लिए गए हैं। तो खनन माफिया फरार हैं, तो वहीं पुलिस उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। तो खनन माफियाओं के जो हौसले हैं वो बुलंद हो चले हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फहीम खान लाइव जुड़ गए, हम उनका रुख कर लेते हैं। फहीम, अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से खनन माफियाओं की ये जानलेवा हरकत सामने आई और हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि अब अधिकारियों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे खनन माफिया। रामपुर जिले की जो तहसील द्वार है उसका पट्टी कला क्षेत्र खनन के लिए बदनाम है। यही वो क्षेत्र है पट्टी कला से लेकर दरिया तक, जिसमें 2 जिलाधिकारी के खिलाफ हाईकोर्ट कार्रवाई कर चुका है इससे पहले। तो यहाँ पे जो खनन का काम है, जो खनन है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम शर्तियों के बावजूद भी, सरकार की और खुद जिलाधिकारी की तमाम शर्तियों के बावजूद भी खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और रोज खनन के मामले सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ FIR हो रही है। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा लूज चीज उपाय है, बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। और इसी बीच हमारे साथ अंजना कुमार GM जुड़ गई है। अंगा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार रामपुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो चले हैं, इस पर आपका क्या कहना है कि अधिकारियों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं? जी अंजनी बोल रहा हूँ, DM रामपुर। एक्चुअली जो ये लगातार कार्रवाइयां हम कर रहे हैं, आज से नहीं, लंबे समय से, और एक बड़ा एरिया है कोसी का, ये जो लगभग 3 तहसीलों से होकर गुजरता है, इस पूरे एरिया की निगरानी करना और वहाँ पे अवैध खनन को रोकना एक बड़ा चैलेंज है। इसको लगातार हम करते रहे हैं, और चूंकि दिन और रात, ये जनरली रात में खनन होता है या सुबह होता है जी। और हमारे अधिकारी दिन भर काम करने के बाद फिर रात में उनकी शेड्यूलिंग होती है, तो शेड्यूलिंग लगा के हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिनका पूरा धंधा ही उस पर टिका हुआ, और कई सारे सिंडिकेट्स हैं जिनको हम लगातार तोड़ रहे हैं, और जो सिर्फ यहीं पे ऑपरेट नहीं करते, उत्तराखंड की तरफ भी ऑपरेट करते हैं, और मुश्किल है, ये सारी चीजें बॉर्डर पे हो रही हैं। तो ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि वो उन्होंने इधर अवैध खनन किया और उत्तराखंड की तरफ बढ़ गए, और या इधर भी है तो एक ज्वाइंट वेंचर, मतलब ज्वाइंट वो टास्क भी करने की हम कोशिश कर रहे हैं, पर जब तक वो नहीं होता, हमने शासन को भी इसके लिए लिखा हुआ है और वहां से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें, लेकिन तब तक हम अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो घटना है वो जैसे रिएक्टिव है, रिएक्शन वो करेंगे ही करेंगे, जब उनकी सारे तरफ से हमने रास्ते बंद किए हैं जी। और इसके साथ ही हम बल्कि कोसी संरक्षण अभियान भी चला रहे हैं, तो हम गांवों को भी रोपिंग कर रहे हैं ताकि कोसी के में अवैध खनन को रोकने और वहां के जो पास के गांव हैं उन लोगों को रोजगार से जोड़कर उन गांवों को डेवलप करके हम बेहतर कर सकें। तो अब इनके ऊपर जब ये चौतरफा हमने शिकंजा कसा है, तो जाहिर सी बात है कि उनमें बौखलाहट तो होगी, बिल्कुल, लेकिन बौखलाहट तो होगी, लेकिन जिस तरह से इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं दिनों दिन, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं कि आखिर इनको ऐसी शय किसकी मिल रही है कि वो इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं इतनी सख्ती के बावजूद? देखिए, मैं इसको बुलंद हौसले के रूप में नहीं लेता, मैं इनको उनकी बौखलाहट के तौर पे, हताशा के तौर पे लेता हूँ। जब ये लगातार हम चूंकि रोक रहे हैं तो वो हताश हो रहे हैं। जब हताश होता है आदमी जो इसी से जुड़ा हुआ होता है, तो कई सारे सिंडिकेट्स हैं जो दोनों ही स्टेट्स में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी सर्वाइवल के लिए वो किसी लेवल पे जाने को तैयार है। जिस लेवल पे वो जाने को तैयार है, हम उससे एक लेवल हमेशा आगे हैं। तो हम एकदम कमिटेड हैं कि अवैध खनन नहीं होने देंगे,
और हम साथ ही अपने अधिकारियों की सिक्योरिटी वगैरह सिक्योरिटी को भी लेके हम बुरी तरह अलर्ट हैं जी। तो जो भी जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। लेकिन अंजनी जी, प्रशासन अपना काम कर रहा है और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम हताश के तौर पर इसको ले रहे हैं, लेकिन अगर इस पूरे मामले में देखा जाए गोलियां चलाई गई हैं इन खनन माफियाओं की तरफ से, अगर ये इस तरह से हताश है, इस तरह से परेशान है, गोलियां लग भी सकती थी वहां पहुंचे उन अधिकारियों को, हादसा हो सकता था बड़ा, तो ऐसे में इनकी सिर्फ हताशा को नहीं लिया जा सकता है, इन पर अब आगे किस तरह से आप लोगों की तरफ से कार्रवाई कुछ पता चल पाया है अभी इस मामले में इन माफियाओं? बहुत सारे लोगों को हमने बहुत सारे लोगों को इसमें चिन्हित कर लिया है जी। जो लोग बाहर हैं कुछ लोगों को तो तत्काल पकड़ भी लिया गया था। कुछ लोग जो अभी बाहर हैं, जो जिन लोगों ने गोली चलाई और जो लोग बाहर हैं, जिसने बल्कि मारा था टक्कर, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। और जो एक कुछ लोग बाहर हैं उनको भी बहुत जल्दी हम कानून के दायरे में ले आएंगे जी। चाहे जो भी हो इनके खिलाफ ऐसी सख्ती से कार्रवाई करेंगे जो बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल होगा। हमारे लिए चैलेंज चुनौतीपूर्ण जरूर है, क्योंकि इस तरीके के जो एनफोर्समेंट है वो बहुत आसान नहीं होते, चुनौतीपूर्ण जरूर है, पर किसी भी तरीके से किसी को इस लेवल पे जाने देंगे नहीं, और अभी इसके बाद जो कार्रवाई होगी वो उनके लिए निश्चित रूप से एक नजीर का काम करेगी। बिल्कुल, लेकिन इसको हताशा पे तो नहीं छोड़ा जा सकता, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि आगे जो नहीं, वो ये हमारे लिए नहीं, ये उनके लिए हताशा है। हमारी चूंकि कार्रवाई ज्यादा हो रही है, हम लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, तो जो सिंडिकेट्स है वो हताश हो रहे हैं जी। नहीं, वो चीज अंजनी जी हम आपकी समझ रहे हैं और हम इस चीज से सहमत भी हैं, लेकिन अब जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल जो खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपकी टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन अभी तक उनके कितने ठिकानों पर दबिश दी गई है, कुछ अभी तक कोई जानकारी हासिल हो पाई इन माफियाओं के बारे में कि कब तक की गिरफ्त में पुलिस की? नहीं, कुछ लोग उत्तराखंड की तरफ भागे हैं जी, और उत्तराखंड के रहने वाले भी हैं। हम उत्तराखंड के तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके और उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर करेंगे। मैंने आपसे कहा कि मुश्किल हमारी सबसे बड़ी ये है कि ये दो राज्यों के बीच का बॉर्डर है, ये एक ज्वाइंट वेंचर हम इस पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी करेंगे। और इनमें से किसी को भी जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ये अवैध खनन करने देंगे नहीं, ये इसके लिए हम कमिटेड हैं। और नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि अवैध खनन पे पूरी तरह से रोक लगाने के लिए हम जो कमिटेड है उसको करके दिखाएंगे। चलिए डीएम, बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी जी आपका जुड़ने के लिए। तो अंजनी जी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई, अधिकारियों पर जो हमला हुआ है, वो साफ तौर पर इन खनन माफियाओं की बौखलाहट ही नजर आ रही, क्योंकि वो चौतरफा अपने आप को घिरा हुआ समझ रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही इन माफियाओं को पर जो है शिकंजा कसा जाएगा और पूरी तरह से इस खनन प्रक्रिया पर भी लगाम लगाई जाएगी। हालांकि देखना होगा, और लगातार हमारे संवाददाता फहीम भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। फहीम, लेकिन अब जिस तरह से यहां पर आपने डीएम को भी सुना होगा, साफ तौर पर उनका यह कहना है, क्योंकि घटना जो सामने आई है, जाहिर तौर पर सवाल खड़ा होना लाजमी है, और हौसले जो बुलंद है वो साफ तौर पर इस घटना से सामने हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई है, बाल बाल बच्चे हैं वहां पहुंचे अधिकारी। लेकिन अगर डीएम साहब की जो बात हमने सुनी उसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि वो चौथरपा घिरे हुए हैं और जो सख्ती उन पर बढ़ती जा रही है उसी के जरिए इन कार्रवाई को देखते हुए उनकी बौखलाहट नजर आ रही है इससे। मैं आपको बता दूं कि ये खनन का मामले में अधिकारियों के ऊपर हमला ये पहला नहीं है, द्वार के अंदर कई बार ऐसे दुस्साहस हो चुके हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो द्वार का क्षेत्र है, खनन क्षेत्र कहलाता है, खनन प्रभावित क्षेत्र कहलाता है, और बिल्कुल स्वागत योग्य है जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह का वो कदम जिन्होंने इस बात पे बल दिया है कि कोसी का संरक्षण किया जाए, कोसी को बचाया जाए, कोसी खत्म होने के कगार पे है, इस बात का हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद भी आखिर खनन क्यों नहीं रुक रहा है? सारे अधिकारी पूरी रात पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पुलिस को साथ लेके चल रहे हैं, उसके बावजूद भी खनन नहीं रुक रहा है, तो उसको हम क्या माने, क्या समझे? ये हमारी समझ। और बिल्कुल, और इसके समाधान के लिए फहीम कहीं ना कहीं कोशिश होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से कि इससे ऊपर उठकर जो कार्रवाई है, इससे ऊपर उठकर कुछ कदम उठाने की जरूरत है पुलिस को। जी हाँ, देखिए मैं आपको ये भी समझा दूं कि थोड़ा सा इसको समझना होगा, थोड़ा सा पीछे जाके, ये जो मामला है बहुत बड़े सिंडिकेट से जुड़ा है और यहाँ पे बड़ी बड़ी सिंडिकेट कंपनियां आई और खनन करके गई है, तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्र को ऐसा खून मुंह को लगा के गए हैं कि लोग अपने आप
जाहिर तौर पर फहीम सवाल तो अपने आप में बरकरार है, लेकिन सवालों से आखिर कब प्रश्न चिन्ह हटेगा ये देखना होगा। लेकिन अभी जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है, अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश यहाँ पर हुई है, फरार बताए जा रहे हैं माफिया, अभी तक इनका कुछ पता चल पाया है? पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची इस मामले में? देखिए, देर रात ये मुकदमा कायम हुआ है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 14 घंटे बीतने के बाद, 12 घंटे बीतने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। दर्ज होने के बाद में पुलिस ने फौरी तौर पे उन ठिकानों पे दबिश दी है जहां संभावित लोगों का उनका होना एक पुलिस को लगता था कि हो सकता है, लेकिन वो दबिश में खास नहीं आए हैं, यानी कि वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि ये दो बॉर्डर के बीच में क्षेत्र है जिसकी वजह से खनन माफियाओं को इसका लाभ मिलता है, खनन करने में भी और पुलिस की पकड़ से बाहर होने में भी। तो फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि खनन माफियाओं को पकड़ा जाए और पुलिस की तरफ से कोई ढील भी नहीं है। ये भी कहना बिल्कुल सही होगा कि पुलिस की तरफ से कहीं कोई ढील नहीं है। सवारी पत्र धर्मेंद्र कुमार लगातार इस पर काम कर रहे हैं, पूरी पूरी रात जाके वो जो है आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बॉर्डर के क्रॉस कर चुके, प्रदेश बदल चुके हैं आरोपी, इसलिए थोड़ा सा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ये कब तक उन तक पहुंचते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जिलाधिकारी अजय कुमार सिंह जी की सख्ती बिल्कुल असर कर रही है, और ये जो अधिकार और शायद सख्ती की वजह है कि ये बौखलाहट इस तरह से सामने आ रही है इन खनन माफियाओं की। लेकिन अगर अभी बात करें इस पूरे मामले में, पुलिस की तरफ से 6 वाहनों को भी जब्त किया गया, जेसीबी समेत, तो क्या इनके जरिए भी इन माफियाओं तक पहुंचना आसान होगा? कितनी मदद पुलिस को? देखिए, पुलिस ने चिन्हित कर लिया है, पुलिस जान चुकी है कि अपराधी कौन है। 6 वाहन सीज किए गए हैं, 2 लग्जरी कारें सीज की गई है, 4 बाइकें सीज की गई है, 1 जेसीबी मशीन सीज की गई है, और पुलिस जान चुकी है कि ये कौन लोग हैं। इन्हें किसी भी हालत में पुलिस तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि इतनी सख्ती होने के बाद, इतनी सख्तियों के बाद सरकार को चैलेंज कर रहे हैं ये खनन माफिया, प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं ये खनन माफिया। और शायद यही वजह है कि आंजनी साहब ने भी खुद माना कि चुनौती जरूर है, लेकिन सख्ती पूरी तरह से बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि खनन माफिया इस तरह से जानलेवा हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया फहीम आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है, इसको पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हौसले बुलंद नहीं बल्कि हताशा इससे साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस सख्ती बरत रही है उसके चलते वो चौतरफा अपने आप को घिरा हुआ मान रहे हैं।